नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो जो है क्लास 9th के मैथ के आर एस अग्रवाल से है, और ये क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम से है। तो इसमें लिखा क्या है कि सिंप्लीफाई एक्स बराबर एल बट्टा एक्स बराबर एम, उसके पावर में जो है एक बट्टा एल एम इंटू एक्स पावर एम बट्टा में एक्स पावर एन, और इसके पावर में जो है एक बट्टा एम एन, इसी के साथ जो है इंटू एक्स पावर एन बट्टा एक्स पावर एल लिखा गया है, और उसके पावर में जो है वन बट्टा जो है क्या लिखा है तो एन एल। तो यहाँ देखिए इसका सोल्यूशन, तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिए एक्स के पावर एल बट्टा एक्स के पावर एम, और उसके पावर में जो है एक बट्टा एल एम इंटू एक्स के पावर एम बट्टा एक्स के पावर एन, और उसके पावर में जो है एक बट्टा एम एन इंटू एक्स के पावर एन बट्टा एक्स पावर एल, और उसके पावर में जो है क्या है तो एक बट्टा एन एल। अब देखिए यहाँ पर जो है बेस जो है क्या है दोनों ऊपर नीचा सेम है, तो पावर क्या होगा घट जाएगा क्योंकि भागा में है डिवाइड में है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स के पावर एल माइनस एम, और उसके पावर में क्या है एक बट्टा एल एम इंटू, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होगा, मतलब एक्स बार होगा एम माइनस एन, और उसके पावर में जो है क्या होगा एक बट्टा एम एन इंटू, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस, तो एक्स बार क्या होगा एन माइनस एल, और उसके पावर में जो है होगा एक बट्टा एन एल। अब देखिए जैसे कि हम लोग पढ़े हैं कि अगर पावर के ऊपर पावर है तो पावर का जो है मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, मतलब यहाँ पर लिखेंगे एक्स के पावर एल माइनस एम बट्टा एल एम इंटू एक्स के पावर, सेम प्रोसेस यहाँ हुई क्योंकि पावर के ऊपर पावर है, तो एम माइनस एन बट्टा लिखेंगे एम एन इंटू एक्स के बारे में क्या लिखेंगे तो एन माइनस एल बट्टा एन एल। अब यहाँ देखिए बेस हर जगह क्या है सेम है, तो पावर क्या होगा जुट जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स, उसके पावर में लिखेंगे एल माइनस एम बट्टा एल एम प्लस एम माइनस एन बट्टा एम एन प्लस एन माइनस एल बट्टा एन एल। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे एक्स एल एम एम एन और एन एल का एलसीएम जो आएगा वो आएगा एल एम एन एल एम एन, जब इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा एल एम एन, और जब इस एल एम से जो है इसको डिवाइड करेंगे एल एम एन को तो यहाँ पर रहेगा एन इंटू एल माइनस एम। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर एल एम से जो है जब इसको डिवाइड करेंगे तो एन बचेगा, और एन और इसका जो है क्या होगा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। देखिए प्लस, और यहाँ पर भी जो है सेम प्रोसेस, एम एन से जो है इसको डिवाइड करेंगे तो एल बचेगा, और फिर इसके बाद जो है एल और इसका जो है एम एन एस एन का जो है मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ पर लिखेंगे एल इंटू एम माइनस एन प्लस, फिर जब एन एल से जो है इसको डिवाइड करेंगे तो एम बचेगा, और फिर एम और एन माइनस एल का जो है मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एम इंटू एन माइनस एल। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखेंगे एक्स, और इसके पावर में जो है क्या होगा तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब एन इंटू एल लिखेंगे ऊपर में, पहले एन इंटू एल माइनस होगा एम इंटू एन, फिर प्लस एल एम होगा तो एल एम, माइनस एन एल होगा फिर प्लस एम इंटू एन, तो यहाँ पे लिखेंगे एम इंटू एन माइनस एम इंटू एल होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे एम एल बट्टा में जो है लिखेंगे
एल एम एन, यहाँ देखिए ये प्लस एन एल और ये माइनस एन एल कट जाएगा, साथ ही ये माइनस एम एन और ये प्लस एम एन कट जाएगा, और उसी के साथ जो है ये प्लस एल एम और ये माइनस एम एल कट जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है और साइन इसका अपोजिट है। और ऊपर में जो है यहाँ देखिए पावर में क्या लिखाएगा, अब पावर होगा एक्स पावर 0/LMN, और 0/LMN क्या होगा तो 0 होगा पावर में, और एक्स पावर 0 कितना होगा तो 1 होगा, तो इसके बराबर जो है क्या आ गया तो 1 आ गया, इसके इक्वल में जो है 1 आ गया, और ये जो है अपना आंसर आ गया।